नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं रिचा वर्मा और अब हम बात करते हैं जिला बिजनौर की, जहां से हमारे संवाददाता तुषार वर्मा से मिली जानकारी के अनुसार बिजनौर में पुलिस को काफी लंबे समय से चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर चुनौती दे रहे चोर आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गए। सरदर्द बने चोरों को स्वाट, सर्विलांस और स्थानीय पुलिस द्वारा चोरी के माल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार हुए चोरों ने 5 चोरियों को अंजाम दिया था, जिसका आज पुलिस द्वारा खुलासा किया गया। बता दें कि बिजनौर पुलिस अधीक्षक द्वारा लगातार चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत चांदपुर पुलिस और स्वाट टीम ने 25,000 के इनामी सहित 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए शातिर चोरों के पास से पुलिस ने चोरी के 31 मोबाइल फोन, सफेद पीली धातु के आभूषण, 1 LED, 7 बैटरी, नलकूपों से चोरी हुई बिजली के तार, 2 315 बोर के तमंचे, 4 जिंदा कारतूस, 1 चाकू और 5 लोहे की रॉड बरामद की है। पकड़े गए 2 आरोपी थाना चांदपुर के और 1 आरोपी थाना अमरोहा का रहने वाला है। SP देहात रामर्ज ने चांदपुर और शिवाला कला क्षेत्र में हुई 5 चोरियों का प्रेस वार्ता कर खुलासा किया और जानकारी देते हुए बताया। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विगत में चांदपुर क्षेत्र में कई चोरियां हुई थी, जिसके अनावरण के लिए पुलिस पर भी काफ़ी प्रेशर था। इसी क्रम में जो है स्वाट सर्विलांस की टीम, चांदपुर की टीम जो है, पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी और उस टीम को आज सफलता मिली। 3 शातिर चोर गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें गुलजार पुत्र खुर्शीद, अजय सैनी, रामपाल, तो जिसमें से चांदपुर कस्बे के रहने वाले हैं, 1 अमरोहा का रहने वाला है। इसमें गुलजार पुत्र खुर्शीद एक शातिर जो है चोर है। इसके विरुद्ध कोतवाली शहर में पूर्व से ही करीब 6 मुकदमे हैं और गैंगस्टर की कार्रवाई हुई है और ये 25,000 रुपये का इनामी भी कोतवाली शहर से है। तो आज ये 3 बदमाश गिरफ्तार हुए, जिनके कब्जे से इसमें हम लोगों ने कुल 5 घटनाओं का अनावरण किया, जिसमें 2 चांदपुर की, 1 मोबाइल चोरी और 1 घर में चोरी हुई थी और 3 शिवाला कला की, जो मोटरों से तार निकाल करके चोरी कर लेते थे। इस प्रकार कुल 5 घटनाओं का अनावरण हुआ। इनके कब्जे से 31 मोबाइल, 1 LED, सफ़ेद और पीली धातु के जेवरात, मूर्ति और सिक्के, 7 बैटरी, बिजली के तार और 2 तमंचे, 1 चाकू और कुछ रॉड बरामद हुई हैं लोहे से, जिनसे ये तोड़ते थे शटर वगैरह को। इस प्रकार जो है 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए। इनके कब्जे से काफ़ी सामान बरामद हुआ है और इनको गिरफ्तार करके हम लोग माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर रहे हैं और इसमें विवेचना के उपरांत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और इनके विरुद्ध जो है हम लोग आगे निरोधात्मक कार्रवाई के रूप में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई करेंगे। अभी इसमें एक नाम और आया है, आपको नाम इसलिए हम एक्सपोज नहीं कर रहे हैं कि अगर जानकारी हो जाएगी तो भाग जाएगा, तो अभी एक का नाम और इसमें है जो है, जिस पे हम काम कर रहे हैं। और इसी के साथ जुड़ रहे हैं बंधन समाचार के साथ।